हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसके टॉपिक के कॉन्टैक्ट नंबर किस प्रकार से सेव करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास से सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डायल पैड ओपन करना है। डायल पैड ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। रीसेट एंड फॉरवर्ड पर क्लिक है तो आप कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको प्लस का निशान प्लस का निशान दिखता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड जिसका नंबर सेव करें, फोटो लगाना चाहिए तो फोटो लगा सकते, गैलरी या कैमरा अपने हिसाब से ऐड करेंगे। एंड इसके बाद आप नंबर पे नेम पे क्लिक करेंगे, मतलब गैलरी में से सेट कर सकते हैं फोटो, या फिर आप कैमरे से फोटो क्लिक करके सेट कर सकते हैं। एंड फोटो जब आपका सेट हो जाती है तो आप नेम सेट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, नेम आपका जिसका नंबर आप सेव करें उसका नेम डालेंगे। एंड मैं नेम डाल नहीं रही, पर आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। एंड तो फ्रेंड्स, इधर नेम डाल एक्स ऐसे डाल देता हूँ मैं इसी तरीके से। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है फ़ोन नंबर, एंड फ़ोन नंबर डालेंगे जिसका नंबर सेव कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है व्यू मोर, एंड इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है वेबसाइट, रिंगटोन, मैसेज एंड ये सब ऐड कर सकते हैं, करना चाहे तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। एंड इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो जाकर देख सकते हैं सेव हो गया। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब कि जितना भी नंबर है, आप इसी तरीके से सेव करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।